लेट्स लर्न सम ट्रेंडी इडियम्स हाथापाई मत करो डोंट स्क्रैम्बल डोंट स्क्रैम्बल शुरुआत कौन करेगा हु विल ब्रेक द आइस हु विल ब्रेक द आई देन इंस्टीड ऑफ सेइंग हु विल स्टार्ट देन यू कैन यूज़ दिस ईडियम हु विल ब्रेक द आइस इट्स विल वेरी इंटरेस्टिंग वह बोलने से बाज नहीं आएगा ही विल नॉट रिफ्रेंड from speaking out he will not refrain from speaking out मैं तुम्हारे बारे में हर एक बात जानता हूं i know every ins and outs about you i know every ins and outs about no इसको सिंपल वे में हम ऐसा भी बोल सकते हैं i know everything about you लेकिन ये idiom आप यूज करोगे तो बहुत ही इंप्रेसिव लगेगा मेरे पास सबूत नहीं है आई डोंट हैव लेग टू स्टैंड ऑन आई डोंट हैव लेग टू स्टैंड ऑन इसको सिंपल में, में आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आई हैव नो एनी प्रूफ लेकिन ये आप इडियम यूज़ करेंगे तो बहुत ही लगेगा कि बहुत ही इम्प्रेसिव दिखेगा वह बहुत दल बदलू है दल बदलू का मतलब होता है कि जो इंसान स्थिर नहीं हो कल कभी और कुछ सोचता हो बोलता हो अगले दिन कुछ और बोलेगा उसको हम लोग दल बदलू बोलते हैं सी इज़ अ टर्न कोट सी इज़ अ टर्न कोट मैं गिद्दड़ धमकी से नहीं डरता गिद्धर धमकी का मतलब होता है कि जिसके बात पे मतलब ऐसे ही फेंकने वाला आदमी होता है इसके बात पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं ऐसे ही कुछ भी बोल देता है उसको हम लोग गिदर धमकी बोलते हैं आई एम नॉट ऑफ रेड ऑफ पेपर बुलेट्स आई एम नॉट ऑफ रेड आप पेपर बुलेट्स उसे किसी ने चूना लगा दिया चूना लगा देने का मतलब होता है कि किसी ने उसके साथ चीटिंग किया है किसी ने चीट कर लिया है तो उसको बोलते हैं चूना लगा दिया सम वन पॉम्ड हर ऑफ सम वन पॉम्प हर ऑफ मन लगा कर सीखो लर्न बाय हाथ लर्न बाई हाथ किसी भी तरह से बाई ऑल मीन्स इसको ऐट एनी कॉस्ट भी बोलते हैं कि किसी की तरह से आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क बाई ऑल मीन्स बोलिए या एट एनी कॉस्ट उसकी नज़र उतार दो कास्ट हर इविल आइज ऑफ हर कास्ट ऑफ इविल आइज ऑफ हर कास्ट आपका मतलब होता है उतारने को बोलते हैं मामला बिगड़ गया द मैटर टुक अ सीरियस टर्न द मैटर टुक अ सीरियस टर्न मेरी बिल्ली मुझे म्याओ मीन्स जब कोई आपका अपना ही होता है और अपना ही आपसे छोटा हो और उसको आप सिखा रहे हो और वही आपको फिर सिखाने लगे समझाने लगे तो आप इसका यूज़ करें मेरी बिल्ली म्याओ म्याओ माई फुट माई ट्यूटर माई फुट माई ट्यूटर उसके बारे में बताना खतरे से खाली नहीं है टॉकिंग हिम अबाउट दिस इज लाइक टू पुट योर हैड इन द लाइन माउथ टॉकिंग हिम अबाउट दिस इज लाइक टू पुट योर हैड इन द लाइन माउथ बात तुमने छेड़ी यू ब्रोस द टॉपिक यू ब्रोस द टॉपिक उसे रुपये की गर्मी है ही इज प्राउड ऑफ हिज पर्स ही इज़ प्राउड ऑफ हिस पर्स वह मरने वाला है ही हैज़ वन फूट इन द्रेव ग्रेव का मतलब होता है कब्र में हम बोलते हैं न कि वो इंसान बहुत बूढ़ा हो गया है उसका पैर क़ब्र में है तो वही है ही हैज़ वन फूट इन द ग्रेव चलो आज रात मेरे घर पर पार्टी करते हैं लेट्स हैव आ नी अप एट माई हाउस टू नाइट नी अप का मतलब हैवे नी अप का मतलब होता है पार्टी करना पार्टी करने को हम लोग बोलते हैं हैवे नी अप समय का कुछ पता नहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है ये हम लोग कॉमनली इस वर्ड का यूज़ करते हैं टाइम इज़ अनप्रिडिक्टेबल एनी टाइम एनी थिंग कैन हैपन टाइम इज़ अनप्रिडिक्टेबल एनी टाइम एनी थिंग कैन हैपन ताली दोनों हाथों से बजती है इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल तुम ज्यादा भाव खा रहे हो वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी सच कहने में हर्ज क्या है वॉट इज द हार्म इन टेलिंग द ट्रूथ व्हाट इज द हार्म इन टेलिंग द ट्रूथ गधे को गधा खुजलाता है बेवकूफ़ इंसान ही दूसरे बेवकूफ़ की तारीफ करता है उसको बोलते हैं गधे को गधा खुजलाता है तुम में कुछ खास बात है यू आर रियली समे यू आर रियली समे उसने मेरी सलाह को नज़रअंदाज कर दिया ही टर्न अ डिफ ईयर टू माई एडवाइस ही टर्न अ डिफ ईयर टू माई एडवाइस मैं सुन रहा हूँ आई एम ऑल ईयर्स आई एम ऑल ईयर्स नेकी कर दरिया में डाल इसका मतलब होता है कि आप अच्छे काम करिए और फिर उसको भूल जाइए मीन्स किसी पर एहसान मत जाता है कि हमने आपके लिए कुछ किया है डू गुड एंड कास्ट इन टू द रिवर डू गुड एंड कास्ट इन टू द रिवर बात का बतंगड़ मत बनाओ मीन्स बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ उसको बोलते हैं बात का बतंगड़ मत बनाओ डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल मोल हिल इसको बोलते हैं जो उसमें चूहे रहते हैं मतलब बहुत छोटा सा होल होता है उसको बोलते हैं मोल हिल मत छोटे से चीज़ को माउंटेन की तरह मत बनाओ मन गढ़ कहानी मत बनाओ मन कहानी का मतलब होता है अपने मन से कुछ भी स्टोरी मत बनाओ जो सच है वही बोलो डोंट मेक कॉक एंड बुल स्टोरी डोंट मेक कॉक एंड बुल स्टोरी तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो यू आर डम एज अ बॉक्स ऑफ रॉक्स यू आर डम एज अ बॉक्स ऑफ रॉक्स वह हमेशा गलतियाँ ढूंढता रहता है he is always looking for faults he is always looking for faults वह मुझे परेशान करने पर तुली हुई है she is bent on teasing me she is bent on teasing me वह मुझे बहुत अच्छी लगी she caught my eye she caught my eye मैंने अपनी शर्त रखी आई लेड माई कंडीशन आई लेड माई कंडीशन खाली मत बैठो डोंट सीट आइडल डोंट सीट आइडल आइडल का मतलब होता है कि कुछ काम नहीं हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडल पर्सन उसकी बात में दम है हिज वर्ड हैव वेट हिज वर्ड हैव वेट आई होप यू वी लाइक दिस वीडियो थैंक यू